हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक इन्फो। और आज वाली इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक मैसेंजर से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और इसके साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइस, जब कभी आप मैसेंजर को ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने इस तरह का एरर आ जाता है, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन और ट्राई अगेन लेटर। अगर आप भी फेस कर रहे हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम को, इस प्रकार के एरर को, तो आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइज मैं इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। या गाइज आपके मैसेंजर से जुड़ी कोई भी और प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तब भी गाइज इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ज़्यादा समय बात हुई, शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को, आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि गाइस जल्दी से जल्दी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे से जांच लेना है। आपको अपने नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना और यहाँ से एक बार एयरप्लेन मोड को इनेबल कर देना है। फिर इसको अगेन टैप करना है जिससे ये डिसेबल हो जाएगा और आपके इंटरनेट वगैरह के अंदर कोई भी इशू होगा, कोई भी स्पीड वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से फिक्स हो जाती है और यहाँ से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपकी प्रॉब्लम सेम बनी रही है तो आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाना है। और वो नेक्स्ट स्टेप कौन से है, उसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, ऐप्स पर क्लिक कर लेना है, मैनेज ऐप्स पर टैप करना है। आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना है मैसेंजर, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल, क्लियर डाटा। आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है इसका क्लियर ऑल डाटा। यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे मैसेंजर, तो आपको यहाँ पर अपडेट वाला ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको अपने मैसेंजर को यहाँ से अपडेट कर लेना है। ये कर लेने के बाद गाइज आपको अपने मैसेंजर पर लॉगिन करके देख लेना है, 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बाद भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब गाइज आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर होगा, आपको उस ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, आपको अपने सर्च बार में सर्च कर लेना है मैसेंजर APK अप टू डाउन। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आपको जस्ट ऊपर वाली साइट पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और आपको यहाँ पर जितने मैसेंजर के वर्जनस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो भी पुराने वर्जन हैं आपको इनमें से जो लास्ट वाला है उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करने से पहले गाइस जो पहले वाला मैसेंजर आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है उसको आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाती है। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर हमारी वीडियो की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।